हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन पिक्सल्स। तो हम लोग अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 14, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स, इन सभी को यहाँ पे समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। ठीक है, एवरी डे इज अ न्यू चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। है ना, हर दिन क्या होता है, एक नया मौका होता है अपने आप से बेटर वर्जन बनने का। मतलब आप कल जैसे थे, आज आप ऐसे नहीं हैं। आपने क्या किया है, कल से आज में कुछ तो इम्प्रूव जरूर किया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। लिखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बहुत खतरनाक तो नहीं है। लिखा है व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड। कंप्यूटर से कीबोर्ड के बीच में कौन सा ट्रांसमिशन हम लोग कह लें हो रहा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो, ट्रांसमिशन जो है बेसिकली वो ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा होता है सिंप्लेक्स, इसी के साथ आपको क्या होगा, चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। फिर तुम्हारा होता है हाफ डुप्लेक्स और तुम्हारा होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, एक बार समझ लो, इसमें कई सारे क्वेश्चन इसी के ऐसे ही होंगे तो आ जाएंगे। देखो, सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है और फुल डुप्लेक्स क्या है। मान लो कि ये हमारा एक सेंडर है और ये हमारा क्या है, एक रिसीवर है। ठीक, ये क्या हो गया सेंडर, ये क्या हो गया रिसीवर। अब क्या है, जब ये डेटा खाली इनको ही भेज पाएगा, रिसीवर अपना डेटा या मान लो ये डिवाइस वन है, ये डी वन है डिवाइस वन और ये डिवाइस टू है। ठीक है, डिवाइस टू जो है वो अपना डेटा रिसीवर को नहीं भेज पा रही है, सिर्फ मतलब डी वन को नहीं भेज पा रही है, सिर्फ डी वन जो है वही अपना डेटा यहाँ से यहाँ भेज पा रहा है। तो इस टाइप के जो ट्रांसमिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस टाइप के ट्रांसमिशन को, है ना, इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। क्लियर। फिर एक मान लो हमारा होता है क्या, फिर हमारा मान लो है कि एक डिवाइस हमारी डी वन है और एक डिवाइस हमारी क्या है यहाँ पर डी टू है। लेकिन इसमें क्या है कि जो डेटा है हमारा वो यहाँ से यहाँ भी जा पा रहा है, सेंड भी कर पा रहा है और यहाँ से यहाँ रिसीव भी कर पा रहा है। मतलब इसको ये D1 है, ये इसको दे भी पा रहा है और ये इससे ले भी पा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, एट अ टाइम, मतलब एक बार में या तो डेटा ये भेजेगा या तो ये डेटा रिसीव करेगा, है ना। तो इस टाइप के जो मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब क्या है कि मान लो ये D1 है और ये मान लो D2 है और ये बना हुआ, ये इसको दे भी रहा है, ये इससे ले भी रहा है इंफॉर्मेशन को और एक ही साथ ले रहा है, मतलब एक ही बार में जा भी रही है और आ भी रही है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे फिर फुल डुप्लेक्स। सिंपल एग्जांपल देख लो कि मान लो सेंडर से खाली डाटा जा रहा है, मतलब रिसीवर से, मतलब एक ड्रेस से खाली डाटा जा रहा है, कुछ वापस नहीं आ पा रहा है, क्या होगा, टी वी ब्रॉडकास्ट। मैं पिन चेंज कर लेता हूँ, आपको यहाँ शो होगा, फिर से पिन कर चेंज, बड़ी समस्या है ना। तो टी वी का जो ब्रॉडकास्ट होता है ये क्या, सिर्फ टीवी में सिग्नल को रिसीव कर पाती है, भेज नहीं पाती। कैसा होता है, सिंप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होगा, भेज तो पा रहा है पर एक बार में खाली एक ही डेटा जा रहा है, या तो भाई रिसीव कर रहा है तो अंदर गया, तो क्या होगा हमारा वॉकी टॉकी, है ना। वॉकी टॉकी क्या हो गया भाई, या तो हम बोल रहे हैं या तो घर वाला बोल रहा है। और तुम्हारा हो गया मान लो, हम लोग कह रहे हैं फुल डुप्लेक्स के अंदर तुम्हारा तो ये मोबाइल फोन हो गया ना, मोबाइल फोन। इसमें क्या है, हम यहाँ से बोल भी रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कह लो कि हम यहाँ से बोल भी रहे हैं, सुन उधर भी जा रहा है, वहाँ से वो भी, तो एक ही साथ बोल सकता है। तो जो ये जो लिंकअप है इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो कह रहा है भैया कंप्यूटर और कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा खाली कीबोर्ड को भेजता है या कीबोर्ड खाली भेजता है, कीबोर्ड खाली डेटा कंप्यूटर को भेजता है, कीबोर्ड कुछ रिसीव नहीं करता, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिंप्लेक्स। ठीक, अब बहुत तेजी से इसके साथ आगे चलेंगे। देखो लिखा है टर्म दैट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द डिवाइसेस। डेटा ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दो डिवाइसेस के बीच में कौन कर रहा होगा हमेशा, वो चेक करता है, वो टर्म को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन मोड, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। सिंप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, ये तो फिजिकल है, ये क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन मोड का टाइप नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रांसमिशन दैट जनरली इन्वॉल्व्स डेडिकेटेड सर्किट, एक ऐसा ट्रांसमिशन जो क्या हो, डेडिकेट सर्किट को इन्वॉल्व करता हो, उसके अंदर कई सारे सर्किट हो सिंपल से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा सिंप्लेक्स। क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लेक्स। कह रहा है देखो ट्रांसमिशन डेट ट्रांसमिशन मोड डेट कैन ट्रांसमिट डेटा बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन ओनली वन डायरेक्शन, खाली एक ही बार जा रहा है। अभी बताया आपको मैंने यहाँ पे ना, ये देखो
कि खा दोनों में जा तो रहा है लेकिन एट अ टाइम एक बार में खाली एक ही जा पा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ डुप्लेक्स, है ना, फिफ्थ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। टेलीफोन नेटवर्क भी बताया आपको मैं कैसा है, ये आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। कह रहा है फायर अलार्म किस पे बेस होते हैं, तो हम जानते हैं कि फायर अलार्म है वो एनालॉग सिग्नल को रिसीव करते हैं उस पे बेस होते हैं। अब वॉकी टॉकी कैसा है बताया आपको, कैसा है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ना। बिट्स आर ट्रांसमिटेड सिक्वेंशियली वन बाय वन, देखो क्या होगा कि भाई वन बाय वन डाटा ट्रांसफर हो रहा है कि भाई एक कनेक्शन मान लो ये हमारा बिल्डअप है, एक कनेक्शन ये बिल्डअप है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है कुछ, ना क्या होगा पहले वन जाएगा यहाँ चला गया वन, एक सॉरी है ना एक सिंगल यहाँ पे मान लो बनी हुई है, सिंगल बनी हुई है तो काट दो, तो क्या है पहले वन गया यहाँ पे, फिर टू गया यहाँ पे, फिर थ्री गया, फिर फोर गया, ऐसे वन बाय वन अगर जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीरियल आपका नंबर सीरियल ट्रांसमिशन को बोलते हैं। आपका नंबर भी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है देखो ईमेल एग्जाम्पल ऑफ, ईमेल किसका एग्जाम्पल है, ईमेल खाली हम भेज भी पा रहे हैं रिसीव भी कर पा रहे हैं पर एक बार में एक ही काम हमारा हो रहा है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा हाफ डुप्लेक्स। फिर देखो ये आपका 10th क्लास का कोर्स आ गया है ना, फिर से जो भी आपके सीनियर्स हों उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लास 9th का क्या चाहिए PDF कोर्स चाहिए जो कि मात्र सिर्फ 99 रुपीज़ का पड़ेगा, 99 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स के नोट्स रहेंगे प्लस आपके आपके MCQs रहेंगे, और इस 99 को भी आप 10 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 10 लोगों ने मिलके 99 रुपीज़ का कोर्स परचेस कर लिया, एक आदमी का 10-10 रुपये का कॉस्ट खाली आएगी, ठीक। तो इसको अगर परचेस करना है तो क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है हमें कि आपको ये कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके अलावा जो भी लिंक दी गई है हमारे व्हाट्सअप की वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं, साथ ही में हमें आप मेल भी कर सकते हैं इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, है ना, ठीक। कह रहा देखो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मेनली हम लोग डेटा को ट्रांसमिशन जो है वो क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सेंड डेटा वन बिट एट अ टाइम, एक बिट एक बार में कौन भेजता है, अभी बताया आपको मैंने, कौन भेजता है, वो आपका भेजता है सीरियल, है ना। फिर कह रहा है देखो सेंडिंग द पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, कई सारे बिट्स एक साथ सिमल्टेनियसली क्या होंगी, ट्रांसमिट होंगी। ये बात यू एस बी बोर्ड में कौन सा डेटा का यूज़ होता है ना, यू एस बी बोर्ड में कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ होता है, ठीक है। तो यू एस बी बोर्ड का यूज़ होता है, तो यू एस बी बोर्ड में आपका यूज़ होता है सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक, खाली जाता डेटा। क्या वेदर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्प्लेक्स ट्रांसमिशन का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वो कौन सा आपको सिम्प्लेक्स का भी बताया आपको मैंने, क्या होगा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ठीक। फिर वो कह रहा है कि टर्म बैंडविड्थ यूज होती है स्पीड ऑफ अ डेटा ट्रांसफर के लिए, हम लोग बैंडविड्थ यूज करते हैं। जो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इनमें से कौन सा कॉमन एप्लीकेशन किसका एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का, तो कौन सा जगह हमारा कीबोर्ड इनपुट। फिर कह रहा है देखो कि इनमें से डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए सिंक्रोनस में किसका यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग यूज करते हैं क्लॉक सिग्नल्स का, ठीक है, इसके यूज करते हैं हम लोग क्लॉक सिग्नल्स का। फिर जो कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है अगला कि विच इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल, सीरियल का जो है प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है किसके कंपेरिजन में पैदल के, तो क्या है वो है इसका स्लोअर डेटा ट्रांसफर स्पीड, तो डेटा की स्पीड है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा इसमें स्लो हो जाती है। और फुल डुप्लेक्स का हाफ डुप्लेक्स क्या एडवांटेज है, फ़ायदा क्या है कि जो फुल डुप्लेक्स है इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। फिर कह रहा है विच ट्रांसमिशन मेथड इज यूज टू फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर किस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फुल डुप्लेक्स का यूज़ करते हैं। फिर वो कह रहा है ट्रांसमिशन विच ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन टिपिकली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीरियल ट्रांसमिशन का यूज़ करेंगे। इनमें से कौन यूज़ होता है पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए, तो कौन यूज़ होता है पैरेलल केबल का यूज़ किया जाता है। कह रहे हैं कौन सा ट्रू नहीं है पैदल के लिए, नेटवर्क जितना आपका ट्रू हो गया, फिर फास्टर दैन ये भी हो गया ट्रू हो गया, इट इज़ मोर रिलायबल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये क्या कहिए आपका गलत है, क्योंकि जो क्या है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सीरियल का, है ना कि पैरेलल का, ठीक, ये आपका हो गया।
फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो, अब इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंड, जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसमें जो डेटा है हमारा वो कैसे ट्रैवल करता है, तो वो ट्रैवल करता है 1 बिट एट अ टाइम, एक बार में एक पूरी बिट हो जाती है। और स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं, वो करते हैं हम लोग कहाँ पे, ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक, तो ये था आज का चैप्टर। होपफुली आपको लेक्चर क्या होगा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने जो भी व्यू हैं उनको कमेंट में हमें लिख के बताना है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना, टाटा बाय बाय। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हैप्पीली रहिए ना।